हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर पार्ट टू। ठीक है, फर्स्ट वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है जेंडर पर, इसे मैं आई बटन पे डाल दूंगी, प्लीज़ आप इसे चेक कर लीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जेंडर पार्ट टू, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर पढ़ा था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। तो न्यूट्रल जेंडर, NEUTER, न्यूट्रल GENDER, न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसक लिंग, इसे हिंदी में नपुंसक लिंग कहते हैं। और कॉमन जेंडर यानी COMMON, कॉमन GENDER, कॉमन जेंडर, जिसे हम उभय लिंग कहते हैं, हिंदी में उभय लिंग कहते हैं। तो चलिए बारी बारी से इसे देख लेते हैं कि न्यूट्रल जेंडर क्या होते हैं और कॉमन जेंडर क्या होते हैं। तो न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसक लिंग, तो न्यूट्रल जेंडर डिनोट्स द नेम ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स यानी विदाउट लाइफ, मतलब जिसमें जान नहीं होती है, जो नहीं चल फिर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। ओके, मीन्स ना ही मेल ना ही फीमेल, ठीक है, तो वो न्यूट्रल जेंडर कहलाएंगे। अब न्यूट्रल जेंडर में एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेन यानी कलम, बुक BOOK बुक यानी किताब, HOUSE हाउस यानी घर, WOOD वुड यानी कि लकड़ी, BRICKS ब्रिक्स यानी ईट, CHAIR चेयर यानी कुर्सी, और TABLE टेबल यानी मेज। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स में आ गए। इसी तरह हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं, तो वो न्यूट्रल जेंडर में आ जाएंगी यानी नपुंसक लिंग हो जाएंगे। ओके, अब है कॉमन जेंडर यानी हिंदी में से कहते उभय लिंग। तो कॉमन जेंडर डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर, मतलब कॉमन जेंडर में मेल और फीमेल दोनों जेंडर आते हैं, मेल और फीमेल दोनों पर्संस आते हैं कॉमन जेंडर में। जैसे हम कह सकते हैं स्टूडेंट हो गए, टीचर हो गए, टीचर मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है, स्टूडेंट मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, यानी बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकते हैं, तो ये कॉमन जेंडर में आते हैं। चलिए अच्छे से और एग्जांपल देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल्स इसमें आ जाएंगे फ्रेंड यानी दोस्त, जो कि मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, चाइल्ड जो कि मेल भी होते हैं, फीमेल भी होती है, बेबी जो कि मेल भी फीमेल भी, स्टूडेंट और टीचर, ये आ जाएंगे किसमें, कॉमन जेंडर में। क्योंकि ऐसे वर्ड बोलने से हमें ये नहीं पता चलता है कि वो मेल है या फिर फीमेल है, मतलब कॉमन जेंडर में दोनों ही आ जाते हैं। अब जैसे प्लेयर है, तो प्लेयर में दोनों ही हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं। गेस्ट भी वही बात हो गई। इन्फेंट यानी शिशु, सर्वेंट यानी नौकर, इसमें भी मेल पर्सन और फीमेल पर्सन दोनों आ गए। पेरेंट्स, जिसमें भी दोनों आ गए, पेरेंट्स यानी माता पिता दोनों आ गए, ठीक है। तो ये कॉमन जेंडर में होता यही है कि मतलब इसमें मेल पर्सन और फीमेल पर्सन दोनों आ जाते हैं। इससे हमें ये नहीं पता चलता है कि ये वर्ड बोलने से हमें ये नहीं पता चलता है कि वो मेल है कि फीमेल है। जैसे स्टूडेंट बोलने से हमें ये नहीं पता चलता है कि वो मेल पर्सन है या फिर फीमेल पर्सन को हम बोल रहे हैं, तो इसमें दोनों ही आ जाते हैं, तो ये कॉमन जेंडर कहलाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि कॉमन जेंडर क्या होता है और न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, ठीक है। दोनों ही का अपना अलग अलग डिफिनेशन है। न्यूट्रल जेंडर, जिसे हम हिंदी में नपुंसक लिंग कहेंगे, और कॉमन जेंडर, जिसे हिंदी में उभय लिंग कहेंगे। न्यूट्रल जेंडर यानी नॉन लिविंग थिंग्स, और कॉमन जेंडर मीन्स बोथ मेल पर्सन और फीमेल पर्सन, ठीक है। तो ये मैंने आज वीडियो डाला आप लोगों के लिए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जो कि रेड कलर में नीचे बटन उसे आपको प्रेस करना है, और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक पहुँचे। थैंक यू।